लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 59 देखो हमें दिया है, दो पार्टनर्स हैं मधु एंड विधि, 2:3 में लाइबिलिटीज दी हैं, असेट्स दिया है, दे डिसाइड टू एडमिट गायत्री एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:3:5। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म हमें दी है, लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविजन एंड क्लेम। अब देखो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा ध्यान रखो कि दिस इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। इसमें जो भी एक्सपेंसेस वाली आइटम होंगी वो डेबिट साइड आएंगी और जो भी इनकम वाली आइटम है वो क्रेडिट साइड आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को नॉमिनल नेचर के जैसे ट्रीट करना है। इसके डेबिट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में लिखेंगे इनकम। जैसे कि इसमें बी पार्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि उनकी वैल्यू कम थी, हमें एप्रिशिएट करना है। और अगर लिखा हो किसी भी आइटम के लिए ओवर वैल्यूड तो इसका मतलब वो वैल्यू पहले ज़्यादा थी, हमें कम करनी है, डेप्रिशिएट। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे की कहानी, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू 26 तो हमने बढ़ा दिया। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अगेन, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ जिससे कि एक ही बोर्ड पे पूरा सोल्यूशन आ जाए, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है। ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते समय लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, बट किसी भी टेस्ट में किसी भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है। तो हमने कहा लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, कुछ लिखो ना लिखो रुपीस तो ज़रूर ही लिखना है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। हमारे 3 लाख के डेटर्स हैं, उसका 5% कितना हुआ, 15,000। पहले से प्रोविजन कितना है, 10,000 जी। फिर इसके बाद देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000, ऊपर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं है, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन 6,000। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मधु एंड विधि, कितना प्रॉफिट आया, 15,000। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो कितनी है, तो कितना हो गया, 15,000। फिर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स, तीन पार्टनर्स हैं, तीसरा एडमिट हो रहा है ना बच्चा, क्या नाम है तीसरे पार्टनर का,
सबसे पहले बैलेंस बीडी, क्या नाम है उनका, 520 और 3। ठीक है, उसके बाद हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कितना जनरल रिजर्व है, 30,000। किस रेशो में जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये लिखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 12,000, 18,000। फिर और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देते हैं, कितना है, 6 और 9, 9। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, न्यू रेशो कुछ भी नहीं गिवन, गिवन है तो चलो। यहाँ वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, ओल्ड रेशो थी 2:3, न्यू रेशो है 2:3:5। अब हमें ये दिख रहा है कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं मधु एंड विधि, इन दोनों की रेशो में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब इनकी जो सेक्रीफाइजिंग रेशो है वो भी 2:3 ही रहेगी। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की, कोई पॉइंट नहीं बनता। अब पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी है, 3,00,000, 3,00,000 में से इसका शेयर 5/10, 150 किस रेशो में जाएगा, 2:3। ठीक है, तो कितना आ गया, बाय, ये होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल एंट्री क्यों बनानी है, यहीं पे लिख दिया ना डायरेक्ट, तुम एंट्री बनाना चाहो तो यहाँ पे लिख लो अपनी कन्वीनियंस के लिए, बट कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका नाम अकाउंट का होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल 60 और 90। ठीक है, बटे वैसे नहीं होगी एंट्रीज की कि बाय गायत्री मधु और विधि में 60 और 90 और वहाँ पे, वो तब होता अगर वो प्रीमियम, तब भी ये नहीं होती अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट से करते हैं, कैपिटल अकाउंट को तुम टच ही नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, जो तुम एंट्री बोल रहे हो वो रिटायरमेंट का केस है, एडमिशन का नहीं है। चलो अब ये हो गया, और तो कुछ नहीं बचा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गया, रिवैल्यूएशन आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, सब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैश प्रीमियम कैपिटल आ रहा है ना, गायत्री कैपिटल आई 4,00,000। अब हमें इसको बैंक में डालना है या कैश में, ये इस पे डिसाइड होगा कि हमें बैलेंस शीट में क्या गिवन है, बैंक गिवन है तो बाय बैंक अकाउंट 4,00,000। ठीक है, फिर टू बैलेंस सीडी, कितना हो गया, 520 38 98 हो गया, ये हो गया 394 09 417 आ गया, 598 417 और 4,00,000। क्लियर, कोई डाउट, सिंपल। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट में जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखा हो बैलेंस शीट उसी सीक्वेंस में लिख देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि लिक्विडिटी ऑर्डर मेंटेन रहता है। जैसे कि हमारे पास क्या है,
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 3,26,000, ठीक है, बढ़ा दी हमने वैल्यू। फिर मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, कितनी है मशीनरी, 280 है। स्टॉक कितना है, स्टॉक में कोई चेंज था नहीं था, कितना है 80,000। फिर आगे डेटर्स 3,00,000, लेस प्रोविजन कितना आ जाएगा 5,000 का और आ गया तो 15,000, 285। फिर बैंक, बैंक में अच्छा और प्रीमियम चलाया 1,50,000, बेचारे का पैसा गल गुप्पा खा गए तुम, 4,00,000 कैपिटल, 1,50,000 प्रीमियम, 5,50,000 और 50 पहले से था तो 6,00,000 हो गई ना। 50,000 पहले से था, 4,00,000 वो कैपिटल लाया, 1,50,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। अब यहाँ आ जाओ, क्या क्या है कैपिटल में, मधु के कैपिटल है 598, विधि की है 417 और गायत्री की है 4,00,000। फिर जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्स पेबल 1,50,000 है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 6,000। टोटल कर लो, इक्वल आना चाहिए। ये तो आंसर्स हमारे था, कितना आ रहा है टोटल देखो, 11, 10, 18, 19, 19 and 8, 2 and 5 and 7 or 2, 9, 1571 आ रहा है। इधर का देख लो, इधर का भी आ गया, ये आ गया 13 and 8, 21, 2, 12 and 5, 17, कुछ गड़बड़ कर दी था, 9 and 10, 11, sorry, 10 and 2, 12, 12 and 5, 17 ठीक तो आ रहा है, 1, 6, 10, 15, ठीक है, समझ में आया। आपकी स्पीड आपको, हाँ क्लेम बैलेंस शीट में तो रिजर्व आता है ना, हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्लेम है इतना तो हमारी लायबिलिटी है ना, वो तो एक हाँ, हमने यहाँ पे भी तो डेबिट में इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वेश्चन आपका 8 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए विथ फॉर्मैट्स एंड फुल फॉर्म्स। तो ये मत सोचना कि हमें आ गया है, आपको चैप्टर समझ में आने के बाद भी अपनी प्रैक्टिस का वो लेवल करना है कि जब आप एक घंटे में क्वेश्चन करने बैठे तो एक घंटे में 6 क्वेश्चन ख़त्म कर लो विथ फॉर्मैट्स एंड फुल फॉर्म्स, इतने लेवल ऑफ प्रैक्टिस। और अगर आप ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने अभी किया है, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ है, फॉर्मेट्स भी नहीं है और ये सब कुछ है, तो ये आपका 6 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 मिनट में होने का मतलब हो गया 10 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए एक घंटे में। ये लेवल ऑफ प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, चाहे पूरी TS के क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन सॉल्व करने बैठ जाओ, चाहे बैक क्वेश्चंस कर लो, पास्ट एग्जामिनेशन कर लो, कहीं से भी करो, सेम क्वेश्चन एक बार कर चुके हो दोबारा कर लो क्योंकि याद नहीं रहते, तीसरी बार करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जब तीसरी बार करोगे तो याद हो जाएंगे और फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। कोशिश करो कि इसे बिल्कुल कि हमें जहाँ क्वेश्चन मिल रहे हो लेके बैठ जाएं। स्पीड तभी बनेगी जब आप टाइमर लगा के करोगे।
अगर टाइमर नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि आपको एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों चाहिए। तो वह एक्यूरेसी एंड स्पीड तभी आएगी जब एवरी टाइम यू सिट एंड पुट अ टाइमर। पहले टाइमर ये लगाओ कि एक घंटे में मैंने कितने किए, एक किया, दो किए, ठीक है, अपने रजिस्टर में ऊपर लिख लो। फिर दोबारा जब बैठे अगले दिन, तब एक घंटे में कितने हुए, दो ही हुए आज भी। फिर तीसरे दिन, अच्छा आज तीन हो गए। तो जब वो एक घंटे में पाँच या छः का लेवल आ जाए, तब टाइमर अब ये लगाओ कि मुझे ये छः क्वेश्चंस करने हैं एक घंटे में। फिर जब वो छः क्वेश्चंस होने लग जाएं, तब लगाओ कि मुझे आठ करने हैं एक घंटे में। हो जाते हैं, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पाँच मिनट में हो जाते हैं। वो लेवल पे आ जाओगे तो तुम्हें लगेगा ना तो पेपर टफ है, क्योंकि हमें पेपर टफ तभी लगता है जब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होती है कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। जो एक मेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो यही होती है वैसे तो, बाकी जो केसेस है वो हम बनाने को बना देते हैं, बट दिस इज द मेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरी है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। On the basis of old partners, ठीक है, मतलब हम old partners की capital निकाल के और उनके basis पे new partner की capital calculate कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो after all adjustment हमारे A और B की जो capital है इसकी आई rupees 5 lakh, इसकी आई रुपीज 4 lakh। ठीक है, ये इनकी कैपिटल आ गई। सी एक न्यू पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, उसके कैपिटल नहीं बता हमें। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो हो सकता है वो लेकर आए 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई है ही नहीं कि 20% मतलब 9 लाख, उसका 20% वो ले आया 1,80,000, मतलब इतनी कैपिटल वो ले आएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कह सकते हैं ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल या हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन टोटल कैपिटल या नेट असेट्स, कुछ भी लिख दें, बात एक ही है। वो नेट असेट्स लिख दें, वो टोटल कैपिटल लिख दें, वो कुछ भी लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है तो पहले तो टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कितनी होगी, अगर ए और बी की 9 लाख है और इसका 1/4 शेयर है तो ए प्लस बी का शेयर कितना हो गया,
थ्री बाय फोर हुआ ना, अगर वन बाय फोर उसका है तो वन माइनस वन बाय फोर जो रिमेनिंग शेयर है वो ए एंड बी का है। इसका मतलब थ्री बाय फोर इज इक्वल टू 9 लाख। अगर 3/4 9 लाख के इक्वल है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो गई, 9 लाख इंटू 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व मत किया करो, ये तो चलो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कई बार कुछ डेसिमल में भी आए कुछ भी आए, सॉल्व मत करो। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दो सी की कैपिटल, सी की कैपिटल कितनी आएगी, 9 लाख इंटू 4/3 इंटू 1/4 कितनी आ गई, 3 लाख। ठीक है ना, तो ये तो हो गया कि जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन तो हमने ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली, गॉट इट। यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें ए और बी की कैपिटल 5/4 दी है, हमें बोला गया सी 1/4 शेयर के लिए आया और वो कैपिटल लेकर आया कितनी, मान लो वो कैपिटल लेकर आया 5 लाख। ठीक है, अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई और हमें ये बोला है कि उसके बेसिस पे एडजस्ट करनी है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो गई, 5 लाख इंटू 4 20 लाख हो गई। ठीक है, इस 20 में से तुम सी की माइनस कर दो, 15 लाख। हमें उन दोनों का रेशियो नहीं पता कितना है, हमें ये नहीं पता कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, तो हमने इक्वल ले ली, ए और बी की 1:1 हो गई, यानी कि 7/50 और 7/50। कैपिटल कितनी है ए की, 5 लाख, यानी कि उसे कितनी और लानी पड़ेगी, 2 लाख। इसके कितनी है, इसे कितनी लानी पड़ेगी, तो एक्चुअली में पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस सीडी होंगे वो तो आएंगे ये। ठीक है, जो पार्टनर्स के बैलेंस सीडी होंगे वो आएंगे 750 और ये अमाउंट है कैश ब्रॉट इन। ब्रॉट इन का मतलब हो गया ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे बाय कैश या बाय बैंक। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट्स या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय करंट अकाउंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा इसको अब रिवाइज कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस वैरायटी के करके दिखा दूंगी। तो लाइक शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. Okay? Thank you.